बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मद शाह जंजानी जंजानी टीम से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। प्रोग्राम में आज टूडे कबूली दुआ के वक्त आज 25 नवंबर है और आज जनाब हफ्ते का दिन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज मैंने आपके लिए कबूली दुआ के कौन से अच्छे वक्त निकालने के साथ हासिल की है। ये वक्त होते हैं जब आसमान से की खिड़कियाँ खुलती हैं और आप कसरत से दोषी पढ़ते पढ़ते रुकात को पाएँ तो दुआ करें, यकीन आपकी दुआएँ बारगाह खुदाबंदी में मुस्तजाब होंगी। दुआ कर रहे हो परवरदिगार को हाजिर नाजिर जाने। तो पहले जो वक्त है वह आज 3:16 से लेके 3:46 का वक्त है और दूसरा वक्त है 1:16 से लेके 1:46 दोपहर का वक्त है और तीसरा शाम 5:16 से लेके 5:46 का वक्त है। ये तीनों वक्त मेरे नज़दीक इंतहाई मुजर्रब और कबूली दुआ के वक्त हैं। आज हफ्ते के दिन ये है कि आप ओल्ड पीपल बुजुर्गों की खिदमत करें, बीमारों की इयादत करें, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है उनकी जनाब लेकर दें, सियाह रंग की चीज़ों का असर कर दें, काले माश, काला कपड़ा, चाय की पत्ती, ये बुज़ुर्ग लोगों को, मलंग लोगों को ये आप चाय पीने के लिए सदका दे सकते हैं और परवरदिगार कबूल करने वाला है, बेचने अजर अदा करने वाला है। और आज अल्लाह ताला के कलाम में या गनी हो, इसके नंबर है 1060, इसे यूँ पढ़ सकते हैं या गनी हो, या फिर ये है कि कम पढ़ना चाहिए तो या गली हो बिल्कुल या गली से 313 दफ़ा अवल आकर या रजल मतलब उसी पर परवरदिगार से दुआ करें। परवरदिगार आपके हर इस माल में इजाफा करें और हर वो नेमत अदा करें जिसकी आप मुस्तहिक हैं। अल्लाह पाक आपका हम सब का हामी और नासिर हो। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के साथ साथ मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए भी दुआएँ करना ना भूलें। आज के लिए इतना इशारा जाने को इजाज़त दीजिएगा, बशर्ते ज़िंदगी काले नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।